बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, सब देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। वेलकम वेलकम किरण की लाइफ में वेलकम। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मैं खुद भी जो है फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको मेरी आज की रेसिपी जो है वो बहुत पसंद आएगी। ये मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सीजनिंग। और ये देखिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और मैंने इसके ब्रीक जो है पीसेस कर लिए हैं लंबाई के रूप में। और ये मैंने हाफ कप लिया है ऑयल और एक चम्मच मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये मैंने दो शिमला मिर्च ली है जिसे मैंने ब्रीक चॉप किया है। और ये मैंने प्याज लिया है जिसे मैंने ब्रीक चॉप किया है। और टमाटर लिया है जिसे मैंने ब्रीक चॉप किया है। और ये मैंने लिया है एक अंडा। और ये मैंने एक चम्मच ली है पीसी काली मिर्च, एक चम्मच नमक और एक चम्मच सुरख मिर्च ली है। और जब मैं ये रेडी करूँगी वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। पहले व्यूअर्स ये देखिए मैंने बाउल लिया है, उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। साथ में मैंने हाफ कप जो है ऑयल और कॉर्न स्टार्च एक चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट और अंडा पीसी काली मिर्च जो है ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मैरिनेशन करके फिर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो बाकी की रेसिपी है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स ये देखिए मैंने चिकन जो है वो मैरिनेशन होने के लिए रख दिया है। और ये मैंने अभी एक सॉस पैन लिया है, उसमें दो चम्मच जो है मैंने घी ऑयल ऐड किया है। और अब मैं जो सब्ज़ियाँ हैं वो मैं अभी इसमें ऐड करूँगी। ये देखें मैंने सॉस पैन में जो है वेजिटेबल ऐड कर दी हैं और अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी तकरीबन 2 मिनट तक। मेरे प्यारे व्यूअर्स ये देखें मैंने वेजिटेबल जो है वो 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। और अब मैंने ये दोबारा से सॉस पैन लिया है, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है। और अब मैं इसमें लहसुन अदरक जो है वो फ्राई करूँगी। ये मैंने 2 चम्मच जो है टमाटो सॉस ली है और इसमें जो है वो हॉट सॉस ऐड होनी थी तो वो मेरे पास नहीं थी तो मैंने जो है 2 चम्मच ग्रीन चिली ली है। और ये मैंने 1/2 चम्मच जो है कुटी लाल मिर्च ली। और ये मैंने ब्लैक सॉस और ये मैंने सफ़ेद विनीगर सिरका लिया है। फिर अभी बस ये देखें लहसुन और अदरक जो है वो मेरा फ्राई हो चुका है। मैं इसमें टमाटो केचप और चिली सॉस जो है वो इसमें ऐड करूँगी। ये देखें मैंने इसमें टमाटो केचप और जो सॉस है ग्रीन चिली वो मैंने ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड करने लगी हूँ, 1/2 चम्मच नमक और जो है कुटी लाल मिर्च और सुरख मिर्च ऐड करने लगी। मेरे व्यूअर्स सॉस जो है वो मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब मैंने ये दूसरा सॉस पैन लिया है, इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया है। और अब मैं चिकन फ्राई करने लगी हूँ जो मैंने मैरिनेशन रखा हुआ था और अब वो मैरिनेट अच्छी तरह हो चुका है। व्यूअर्स ये देखें मैंने चिकन जो है वो फ्राई होने के लिए रख दिया है और जो रेसिपी है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। पहले व्यूअर्स ये देखें चिकन जो है वो मेरा फ्राई हो चुका है और सॉस भी रेडी है। अब मैं इसको उसमें सॉस में ऐड करूँगी। बस चिकन जो है वो मेरा अच्छी तरह फ्राई हो चुका था तो अब मैंने इसको सॉस में जो है 10 मिनट के लिए पकने दूंगी। फिर बाकी की रेसिपी जो है वो आपके साथ साथ शेयर करती जाऊँ। प्यारे प्यारे व्यूअर्स मुझे आपसे एक और बात कहनी थी कि हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप जो हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा फीडबैक दिया करें और हमारे जो वीडियो है उसे फुल एंड तक वॉच किया करें। प्लीज़ ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स चिकन और सॉस और जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है और अब मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दी हैं। अब तकरीबन मैं इसको 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, उसके बाद जो हमारा ये चिकन सीजलिंग है वो रेडी हो चुका है। और वैसे तो इसके साथ बॉयल चावल बनाए जाते हैं लेकिन मेरे घर में जो है बॉयल चावल कोई नहीं पसंद करता तो मैं इसके साथ जो है ज़ीरा राइस बनाऊँगी। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स ये देखें हमारा जो चिकन सीजलिंग है वो रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा मेरी ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही टेस्टी और लुक वाइज भी बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलें, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा फीडबैक दें और जो मेरी जो है वो हौसला अफज़ाई ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। अल्लाह पाक आप सबको भी कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अब जो है मैं मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।